यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वित्तहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन ने आरटीई के तहत प्रवेश एवं शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। आजमगढ़ आज वित्तहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच आरटीई के तहत प्रवेश एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपने आए वित्तहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन का कहना था कि आरटीई के अंतर्गत प्रतिवर्ष विद्यालयों में कक्षा के अनुरूप 25% प्रवेश लिया जाता है, परंतु उसकी शुल्क प्रतिपूर्ति विगत 3 वर्षों से नहीं दी जा रही है तथा विद्यालयों में 25% से अधिक नाम चयनित कर दूसरे वार्ड एवं ग्राम सभा के बच्चों का नाम चयन कर भेजने के कारण विद्यालय तथा अभिभावक दोनों परेशान हो रहे हैं। जबकि आरटीई के अंतर्गत अपने वार्ड एवं ग्राम सभा के चयनित बच्चों का ही प्रवेश देने का नियम है, वही शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान न होने के कारण विद्यालय में अनेकोनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जबकि कोविड के कारण विद्यालय की स्थिति विगत 2 वर्षों से बहुत ही दयनीय हो गई है, जिसके कारण विद्यालयों के बिजली का बिल, अध्यापकों का वेतन आदि देने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। संगठन ने मांग की है कि जल्द से जल्द विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान करवाने एवं दूसरे वार्ड व ग्राम सभा तथा 25% से अधिक बच्ची के चयन पर रोक लगाने की कृपा करे ताकि विद्यालय सुचारू रूप से चल सके। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। रमाकांत वर्मा, आज हम लोग प्रबंधक संगठन की तरफ से जो है आए थे जिलाधिकारी से मिलने आरटी के संबंध में। आरटी में वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा एडमिशन, जैसे विद्यालयों को जो उनकी छात्र संख्या के अनुरूप एडमिशन 25% मिलना चाहिए था, एक तो उससे ज़्यादा एडमिशन मिल जा रहे हैं, जिसके कारण जब विद्यालय उससे ज़्यादा एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं, अभिभावक का नाम लिस्ट में आ रहा था, तो विद्यालयों पर एडमिशन को लेकर के जो दिक्कतें खड़ी होती हैं, पेरेंट्स से विवाद होते हैं, तो हम लोगों का ये कहना था जिलाधिकारी से कि जो हम लोगों की छात्र संख्या है उसके अनुरूप जो है 25% ही बच्चों का नाम विद्यालय में भेजा जाए। दूसरे उसमें आरटी में एक ला है कि आप अपने वार्ड या अपने ग्राम सभा के बच्चों का ही एडमिशन करेंगे, जबकि अधिकतर बच्चे उसमें ऐसे सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं जो दूसरे वार्ड से हैं, बहुत दूर दूर से हैं, वो उनका प्राण पत्र तो 1 लाख के नीचे का है, लेकिन वो गरीबी रेखा में आकर के फिर वो कहते हैं कि हमारा बच्चा बस से आएगा, बस का फीस उनको देने को पैसा है, लेकिन जो स्कूल के बच्चे की फीस देने को है उसका पैसा नहीं है। तो हम लोगों का ये था कि जो जिलाधिकारी जिससे कि डीएससी साहब को आदेश करें कि जिस गांव या जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उसी गांव या उसी वार्ड के बच्चों का चयन हमारे विद्यालय पर करें। तीसरा यह था कि हम लोगों को कोरोना काल से ही 2020 से ही अब तक जो है 3 वर्ष हो गया, आरटी का कोई भुगतान नहीं हो पाया। कोरोना काल में वैसे भी विद्यालयों की स्थिति बहुत दयनीय थी, अब भुगतान न होने के कारण जो है तरह तरह की विद्यालयों में समस्या उत्पन्न हो रही है, बिजली के बिल नहीं पेड हो पा रहे हैं, चूँकि इस समय आरटी के बच्चों की संख्या लगभग विद्यालयों में 100 के आसपास सबके पास हो गई शहरों में, तो अब वह जो है टीचर्स का पेमेंट हुआ, बिजली की बिल हुई या अन्य तरह के खर्चे जो है विद्यालयों में हैं उनका भुगतान न होने के कारण उससे समस्या हो रही है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। तो हम लोगों को यह भी था कि आप बीएसए साहब चाहे निर्देशित करें, वो हम लोगों का बजट जो भी बनता है जनपद का उसे बना करके परियोजना कार्यालय को भेज करके मंगाएं और हम लोगों का भुगतान करें, जिससे विद्यालय की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित हो।